हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक फ्रॉम IIT रुड़की। यार आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ड्रॉपर्स के बारे में, या जो अभी 12th में हैं और जिन्हें JEE 2022 देना है। तो यार सबसे पहले सुन लो मैं वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग कि यार कब से तुमको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, ड्रॉपर्स वाले बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। सेकेंड नंबर पर चीज़ ये है कि यार इस बचे हुए कम टाइम में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। थर्ड नंबर पे पॉइंट ये है कि यार इस पूरे 5 से 6 महीने के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रैंक को बूस्ट करती हैं, उन बातों पे डिस्कस करेंगे। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यार वीडियो में बने रहो पूरा अच्छे से। हम जल्दी से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यार नए लोग प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी लोग हो वीडियो को तो लाइक कर दो। 500 लाइक का टारगेट लेके चलते हैं यार, आप लोगों के ऊपर है, आप शेयर करके 500 लाइक करवाते हैं या नहीं। जल्दी से स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ यार, तो हम JEE Mains 2022 वाले पेज पे आ गए हैं। तो यार सबसे पहले अपने को टाइम देखना है। तो अभी मंथ जो चल रहा है अपना, वो है जुलाई का, और जो पेपर होगा वो मेरे हिसाब से फैब में मिनिमम फैब लास्ट तक होगा, जैसा इस बार हुआ था। तो फैब लास्ट और जुलाई, टोटल कितने महीने हो गए हैं? टोटल आपके पास जो टाइम हो रहा है यहाँ से 7 to 8 months का टाइम हो रहा है। यार देखो, टाइम तो कम है, मतलब काफ़ी कम है ऐसे देखा जाए तो। इस काफ़ी कम टाइम में बहुत कुछ अपने को करना है। अब इन 7 से 8 महीने को यार एकदम अपने आप को पूरा फुली पैक्ड शेड्यूल में चलना होगा। मींस कुछ भी इधर उधर का नहीं, डिस्ट्रैक्शन झेलना होगा। अगले 2 से 3 दिन इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ उनको भी मत वेस्ट करना, आज से ही एकदम लग जाना पढ़ने के लिए। और एक चीज़ और है यार, मतलब बोर्ड वाले ज़्यादा टेंशन मत लेना बोर्ड का। इस बार भी शायद 75% क्राइटेरिया सब जमीन पे ही दिखेगी, तो इसलिए केवल मेंस पे अच्छे से फोकस करो। और यार कोई लोग इस चीज़ को मत लेके चलना कि अप्रैल वाला अटैम्प्ट, मींस मई वाला अटैम्प्ट अभी से। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो अटैम्प्ट होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है। 90% लोगों का फर्स्ट वाला ही इंक्लूड किया जाता है। लगातार अटेम्प्ट बढ़ने से रैंक गिरने के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान के चलना, नहीं तो फिर बाद में वही होगा जो हमेशा होता आता है। मार्क्स तो बढ़ते हैं बट परसेंटाइल एंड रैंक में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, अब आप लोग ड्रॉपर वाले तो समझ गए होंगे कि फर्स्ट वाले अटेम्प्ट को ही चीरना है। यार ट्वेल्थ वाले जो होंगे वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उन्हें लग रहा होगा कि लास्ट अटेम्प्ट तक 3-4 महीने और टाइम मिल जाएगा और अच्छे से मचा देंगे, बट नहीं हो पाता यार। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा नहीं कुछ। तो यार फर्स्ट बुलेट पॉइंट यही था कि फैब वाले अटेम्प्ट को ही लेके चलना है। फैब अटेम्प्ट जो है वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं यार, कि तुम्हें मतलब लाइक एज ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए कि ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए। यार मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक एज सबके इलेवेंथ्स गड़बड़ हैं। जो ड्रॉपर में है उनके भी इलेवेंथ्स गड़बड़ हैं, जो अभी ट्वेल्थ में है उनकी भी इलेवेंथ बर्बाद है, दोनों लोगों का इलेवेंथ बर्बाद है। तो सबसे मेन चीज़, जो ड्रॉपर वाले हैं वो तो सब पढ़ेंगे, इलेवेंथ ट्वेल्थ सब पढ़ गए होंगे, क्योंकि उनको पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो परेशानी होगी। बट यार जो ट्वेल्थ में है उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि ड्रॉपर वाले पढ़ लेंगे बट वो नहीं पढ़ पाएंगे। यार ये कैसे होने लगा कि ड्रॉपर वाले पढ़ लेंगे तुम नहीं पढ़ पाओगे? अगर ड्रॉपर वाले ने भी इलेवेंथ नहीं पढ़ा है अच्छे से, वो भी इस बार इलेवेंथ भी पढ़ रहा होगा, ट्वेल्थ भी पढ़ रहा होगा, तो यार ट्वेल्थ वाले आप लोग भी पढ़ सकते हो इलेवेंथ के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। तो अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, उसमें से ट्वेल्थ वाले भी ये ट्राई करना कि इलेवेंथ वाले ख़त्म कर पाएँ। अब आप पूछोगे कि टाइम कहाँ है? यार देखो, अभी सब ने ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन किया है, सबका ऑनलाइन कोचिंग ही, और सब लोग ऑनलाइन कोचिंग पे ही जाओ इस बार, क्योंकि यार बीच में ऑनलाइन होना ऑफलाइन होगा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। एक काम कर सकते हो, लाइक एज जिनको घर पे डिस्ट्रैक्शन होता है वो अपने किसी एक नज़दीक सिटी में जाएँ, वहाँ पर रूम ले लें, वहाँ पर वो पढ़ें अच्छे से, खाने पीने की यार व्यवस्था देख लें कहीं पर हो जाए, नहीं तो खुद बनाना स्टार्ट कर दें। बिकॉज यार कुछ करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए परिश्रम भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और परिश्रम के वजह से यार ऐसे दूर मत भागना कि परिश्रम खाना बनाना पड़ेगा या खाने की दिक्कत होगी, तो घर पे ही रह लेते हैं भले डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। नहीं यार,
कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। अगर जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है वो लोग प्लीज़ घर से बाहर जाके एक रूम लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। कोचिंग सब लोग ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लो यार, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फिजिक्स वल्ला का है, फिर उसके बाद अन अकेडमी है, उसके साथ साथ फिर आपका ATP स्टार है। मीन्स यार अलॉट ऑफ बैचेज, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, ना किसी को दुख होना चाहिए कि सर आपने इनका नाम नहीं लिया, इनका नाम नहीं लिया। ज़्यादा रुपए है आप LNB ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज जब ऑफलाइन खुलेगा तो आप जा सकते हो, आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। कोचिंग यार कोई सी भी ज्वाइन करोगे आप, कोचिंग के साथ आपको चलना है। अब नेक्स्ट थिंग, हम जल्दी से आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर। तो यार देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैंने फिजिक्स में मोशन, NLM, फ्रिक्शन, WP, सेंटर ऑफ मास, RBD को मैंने नहीं रखा है, क्योंकि यार इतना बड़ा चैप्टर है, मेंस में आता है एक ही सवाल है, और फिर उसके बाद JEE एडवांस में उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो एक बार जब आप मेंस बढ़िया कर लोगे तो RBD आप वापस से पढ़ सकते हो, उसको और अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट है SHM, वेव एंड वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मो इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक एंड EMI, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें आपको यार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सिस्टमेटिक कोचिंग वालों के हिसाब से केवल चलना स्टार्ट कर दें ना, तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। आप एक काम कर सकते हो कि लाइक एज कोचिंग वाला अगर RBD पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है तो आप उस चैप्टर को स्विच करके आगे बढ़ सकते हो। लाइक एज अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे, केवल रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कोचिंग वालों का साथ मत छोड़ना। लेकिन यार कोचिंग वालों के साथ के अलावा भी आप इन चैप्टर्स को तो मस्ट लेके चलो कि इनको करना ही करना है। कुछ कोचिंग वाले होंगे कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही केवल यहीं तक टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है, अभी बाकी सिलेबस आप फोर्थ अटेम्प्ट तक कंप्लीट होगा, फिर आप फोर्थ अटेम्प्ट तक फोड़ना। तो वो कॉन्सेप्ट यार देख लेना, कोचिंग वाले कब सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं उस हिसाब से चलना। 6-7 महीने में यार हमारा कोटा में कंप्लीट हो गया था, जब फर्स्ट बार JEE मेंस 2019 में जैन में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यार कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली कंप्लीट हो सकता है। ये लोग मत सोचना कि 6-7 महीने में नहीं कंप्लीट होता, एकदम आसानी से कंप्लीट होता है। तो आपके ये कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स थे जिनको आप इजीली कर सकते हो, इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यार इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ के चलना, एक भी चैप्टर मत छोड़ना। NCERT की एक एक लाइन को हाईलाइट कर देना, NCERT की एक एक लाइन को हाईलाइट कर देना, तब पता चलेगा कि आप लोगों ने मेहनत किया है। सेम चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, आप अपने टीचर को पकड़ के चलो, टीचर को पकड़ के चलो, बिल्कुल छोड़ो मत। नहीं तो लास्ट में ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा BT हो जाता है, मीन्स यार लाइक है जो ऑर्गेनिक में हमेशा सब टीचर का अपना अपना एक वे होता है कि मैं इस चैप्टर में सब कुछ बता दिया, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो जैसे कि हेलो एल्केन आया तो उसमें मतलब मैं केवल रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा। कुछ लोगों का होता है कि वो चैप्टर वाइज पढ़ाते ही नहीं, चलो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, आइसोमेरिज्म, ये सब खत्म हुआ, अब सीधे मैं पूरा मैकेनिज्म लेके चलता हूँ, फिर लास्ट में कहाँ दिखूंगा, पॉलीमर बायोमालिक्यूल चैप्टर पे ही अब सीधे दिखने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। IUPAC को लेके मत बैठ जाना, उसका कोई यूज नहीं है। कुछ लोग 1 हफ्ते 10 दिन IUPAC को ही दे देंगे, नहीं यार मत देना, बिल्कुल नहीं, IUPAC को छोड़ देना। वो जब आपकी ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई होगी, NCERT भी आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे, तो उतना IUPAC आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो यार मोल को बेसिक देना, कुछ लोग मोल में ही चीर देते हैं 1 महीने का टाइम, नहीं यार 2-3 दिन मुश्किल से। फिर सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ना, केमिकल काइनेटिक्स भी अच्छे से पढ़ना, बिकॉज फिजिक्स में भी इसका अच्छा खासा यूज है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, आइडियल एंड रियल गैसेज, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री को आप पूरा NCERT फुल्ली रखना। यार देखो फिजिकल केमिस्ट्री में भी NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बिकॉज अभी NCERT से तड़ातड़ प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो ये सब चीज़ें पकड़ के रखना। यानी टोटल आउटपुट क्या आया, सब इन सब का ब्रह्मास्त्र क्या है, NCERT, चाहे OC हो, चाहे IOC हो, चाहे PC हो, सब में आपको NCERT पूरे अच्छे से करना ही करना है। नेक्स्ट है मैथ्स। अब मैथ्स में बेसिक मैथ्स, फंक्शन, क्वाड्रेटिक, LCD, बेसिक डिफरेंशिएशन। यार देखो डिफरेंशिएशन में भी कुछ लोग बहुत टाइम खर्च करते हैं, नहीं खर्च करना, बिल्कुल बेसिक, मींस 1 या 2 दिन, जो बेसिक मैथ फिजिक्स स्टार्ट होती है जब, तो उसमें बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है ना, तो जितना डिफरेंशिएशन कराया जाता है उतने डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है।
इंटीग्रेशन एओडी डिफरेंशियल एरिया मैट्रिक्स वेक्टर कोऑर्डिनेट पीएनसी प्रोबेबिलिटी। अब कोऑर्डिनेट में मैं तोड़ना चाहूँ तो इसमें लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर सर्कल है, फिर पैराबोला है और इलिप्स, इतने सारे इम्पॉर्टेंट हैं। हाइपरबोला उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यार एक काम और करना, इंटीग्रेशन में सेम चीज़ बेसिक वाला बिल्कुल करना, एडवांस तो बिल्कुल मत करना यार, बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चंस बनाने में, डिप्रेशन आने में मतलब पूरा टाइम ही टाइम लग जाता है। तो इंटीग्रेशन को भी संभाल के करना, बेसिक बेसिक करके ही रख देना। नेक्स्ट है कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं जैसे बायनोमियल थ्योरम, ये बाकी तो ब्रह्मास्त्र हैं, इनको करके जाना है। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये तीन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा मतलब पहले, और बाकी बायनोमियल थ्योरम भी अच्छा चैप्टर है, कर लेना। अब यार मैं बात करता हूँ कि लगभग कितने क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए एक एक चैप्टर में। एक चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसमें यार सबसे पहले आपका हर एक चैप्टर में प्रीवियस जेई मेन एंड जेई एडवांस का 50%, ये तो बेसिक था, सबके लिए लागू होता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में ये आपका, आपको ये काम करना है, जेई मेन्स का पूरा प्रीवियस ईयर एंड जेई एडवांस का 50%। फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी ये होना चाहिए सेकंड नंबर पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फिजिक्स, फिजिक्स में कंप्लीट एचसी वर्मा, ये आपके तीन सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैथ्स में भी आपको कोई एक बुक ले लेना है, जैसे मान लो कोई सिंगेज ले लिया, कोई अरिहंत ले लिया, या ब्लैक बुक एक आती है, तो ब्लैक बुक में यार थोड़े सवाल कम होते हैं तो इसको भी कर सकते हो, इसमें एक्सरसाइज लेवल वाइज दिया होता है। मतलब कोई भी बुक, ब्लैक बुक हो या सिंगेज हो या आपका अरिहंत हो, किसी भी बुक का कोई एक एक्सरसाइज आपको हर एक चैप्टर का कंप्लीट करते चलना है, ये आपका बेसिक था, इतना तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको आपका मॉड्यूल करना है जो कोचिंग का मिल रहा है, डीपीपी करना है, जो भी मिल रहा है कोचिंग का वो साथ साथ करते चलना है। तो इतना जब सब कुछ करोगे, टाइम कम पड़ रहा है, तो आप मैथ्स में अगर वो मॉड्यूल दे रहे हैं तो आप मैथ्स में ये ब्लैक बुक और जो भी सिंगेज अरिहंत है इन सबको स्किप कर सकते हो। बाकी जो ऊपर के तीन पॉइंट्स थे वो तो यार आपको करने ही करने हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट चीज़ है यार, मतलब आपको और क्या करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, नोट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर जिस दिन जो पढ़ाया गया उसको आके रिवाइज करना है, और रिवाइज करते समय आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फिर वीकली रिवीजन करना है, क्योंकि अब नहीं बोलना है कि मेरा खराब हो गया है, वीकली रिवीजन करना है। फिर टेस्ट से पहले कंप्लीट रिवीजन करना, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। देखो एक आपको मैं हर्ष रियलिटी बताता हूँ कि यार लोगों को क्वेश्चन करने में मज़ा आता है बट रिवाइज करने में नहीं, थियरी पढ़ने में नहीं, बट यार उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी, थियरी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नहीं पढ़ोगे तो यार सब भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं होता इन सब स्टडीज का। तो नोट्स अच्छे से बनाना है, रिवाइज करते समय डेली का डेली शॉर्ट नोट्स बनाना है, वीकली आपको रिवीजन करना है, फिर उसके बाद टेस्ट से पहले कंप्लीट रिवीजन करना है। तो जब इतना सब कुछ आप लेके चलोगे ना, तब जाके आप कहीं एक अच्छे रैंक की तरफ बढ़ पाओगे। तो यार आज कमेंट में लिख के बताओ कि आप कौन से, अब क्या करने वाले हो, ड्रॉपर वालों का कोचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लो, ज़्यादा पैसे तब एलएनएलएन का कुछ ऑनलाइन खरीद लो, नहीं तो ऐसे जो अपना अलग पांडे सर का है, अन अकेडमी है, टीपी स्टार है, वेदांत है, किसी भी कोचिंग का खरीद लो। तो यार इतना सब कुछ कर लो, अच्छे से मचा दोगे, चैनल के साथ बने रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो आता रहता है, उसके साथ साथ आप लाइक कर दिए होंगे मुझे पूरा विश्वास है। तो यार मिलते हैं नए अगले वीडियो में एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, कुछ नया होगा, ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। और यार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना कि आप क्या जोश कुछ आया, तैयारी करने का प्लान कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो चलते हैं, बाय।